हेलो ग्रीनर्स, बात करती हूँ आज बहुत ही खूबसूरत सिल्वर पत्तियों वाले फ्लावरिंग करने वाले प्लांट जो हनी बीज एंड बटरफ्लाई को भी अट्रैक्ट करता है, टेक्सास सागा या टेक्सास रेंजर। फ्रेंड्स, नॉर्मल बात इसकी हम सबको पता है, फिर भी फटाफट बता देती हूँ कि ये जो है ये गार्डन सॉइल, ग्रेवल्स मतलब कंकर पत्थर, थोड़ी सी सैंड, थोड़ी सी नीम खली और कंपोज में मैंने इसको लगाया है। ग्रेवल वाली सॉइल वेल ड्रेन इसकी बनाई है, कोई रेशियो में रख कर इसको नहीं बनाया है। फिर सनलाइट है फ्रेंड्स, तो मेरे यहाँ ये नून से लेकर इवनिंग तक की सनलाइट में रहता है। पर प्लांट अगर नया और आपका छोटा है, इमेच्योर है, तो आप इसको जो है वो थोड़ा शेड दीजिए, मतलब कि नून की जो समर की सनलाइट होती है उसमें ना रखें। हालांकि वो सर्वाइव तो कर ही लेगा और ग्रो भी करेगा, बस थोड़ी सी इसकी लीव जो है वो बर्न होगी। फिर वाटरिंग है फ्रेंड, इसमें बहुत कम करनी है। देखिए फ्लावरिंग पर है फिर भी इसकी जो सॉइल है वो ड्राई है, तो इस बात का ख्याल रखें कि इसमें पानी बहुत ना दें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताती हूँ, अगर उन बातों का आपने ख्याल रख लिया तो फिर इस प्लांट का ख्याल रखने की ही ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले फ्रेंड, इसको रिच ऑर्गेनिक सॉइल जो है वो पसंद नहीं है, इसको वेल ड्रेन, ड्राई और अल्कलाइन सॉइल जो है वो पसंद रहती है। फिर फ्रेंड, सॉइल जो है वो ड्राई पसंद है तो आपको इसमें फ्रीक्वेंट वाटरिंग नहीं करनी है, और विंटर में तो ओकेजनली ही वाटरिंग करनी है। अगर आपने ज़्यादा वाटरिंग कर दी या फ्रीक्वेंटली वाटरिंग कर दी तो इसके रूट रॉट्स का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। फिर इसकी पत्तियां जो है वो कभी कभी विल्ट हो जाती है, इस तरह से नीचे की साइड आपको बैंड होती हुई दिखेगी, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न रहता है कि इसकी सॉइल जो है उसमें या रूट्स में जो है इसके आसपास जो है शायद जो है मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि इसके रूट सॉयल या इसके आसपास जो है वो मॉइस्चर क्रिएट ना हो। फिर फ्रेंड्स, बिना सनलाइट के जो है ये इस तरह से लेगी लेगी हो जाता है, तो ये फ्लावरिंग ख़त्म कर देगा। फिर आप इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। विंटर में फ्रेंड आप इसको जो है फुल सन में रखेंगे तो ये इतनी ही फ्लावरिंग करेगा जितनी आपको समर या मॉनसून में करता है। पर मॉनसून सॉरी विंटर जो है ये इसका डॉर्मेंट सीज़न होता है फ्रेंड्स, तो उस समय आप इसकी हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल ना करें, क्योंकि तब हार्ड प्रूनिंग करने से समर में फिर ये शायद डाईबैक कर जाएगा या अपनी न्यू ग्रोथ जो है वो नहीं कर पाएगा। तो विंटर जो है उसमें हार्ड प्रूनिंग ना करें, और फिर जब समर आएगा तब आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, ताकि आपको इसका एकदम राउंड शेप जो है वो मिलेगा। फ्रेंड्स, विंटर्स जो है ये इसका डोरमेंट सीज़न होता है, तो थोड़ी बहुत पत्तियां जो है वो आपको नीचे गिरी हुई मिलेगी, तो इस बात का टेंशन ना लें। फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स जो है, मैंने आपको बताया कि इसकी सॉइल में मैंने डाला था तब, और फिर जब बारिश ख़त्म हुई तब मैंने इसमें कंपोस्ट जो है वो डाला था, और कभी कभी लिक्विड का जो बनाना पील फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो डाला था बस। इसके बाद या इसके अलावा कुछ और जो है मैंने इसमें नहीं डाला था। फिर फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट जो है वो फ्लावरिंग नहीं कर रहा है तो उसका तीन रीज़न होगा। सबसे पहले इसको सनलाइट नहीं मिल रही होगी, ये थोड़ा ज़्यादा शेड में पड़े रहने से लेगी होगा और सनलाइट ना मिलने की वजह से जो है वो फ्लावरिंग नहीं करता है। दूसरा रीज़न होता है फ्रेंड्स कि ये जो है आपने इसमें वाटरिंग जो ज़्यादा की है तो लीफी ग्रोथ आपको दिखेगी, विल्ट लीव भी दिखेगी और फ्लावर्स नहीं दिखेंगे। तो आप अगर इसको फ्लावरिंग पे लाना चाहते हैं तो लेस वाटरिंग एंड फुल सन दीजिए। फ्रेंड्स, पेस्ट के नाम पर तो इसमें मिलीबग्स का काफ़ी इश्यू रहता है, और ये विंटर और मॉनसून दोनों सीज़न में आपको दिखाई देगा। मैं जो है वो लिक्विड जो बनाती हूँ उसी का स्प्रे करती हूँ। आप जो भी पेस्टिसाइड्स या फंगिसाइड यूज़ करते हैं उसका स्प्रे कर दिया कीजिए, क्योंकि मिलीबग्स जो है इसमें बहुत लग जाती है सीज़न चेंज हो जाने के बाद। बस फ्रेंड्स, इसके लिए तो इतना ही था। इस बातों का ख्याल रखिए, और ये पूरा साल आपके यहाँ फ्लावरिंग करेगा। फिर भी अगर कुछ रह गया है, आप पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आते हैं तो एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।